मैडम, राइट, यही नाम है ना तुम्हारा? बहुत अच्छा नाम है, मैंने बहुत सारे हिंदी गानों में सुना है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने खुद कुछ नहीं किया है। जानती हूँ, मुझे रजिया भी ने सब बता दिया है। रजिया भी? नाम मत लो उसका। वो पान की दुकान, उसी ने बहकाया मुझे। बहुत चालाक है वो तो अन्ने को आईना बेचते, उसी के कहने पे तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। उसने अपनी बातों में कैसे घुमा लिया मुझे, मैं कैसे फंस गई, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ तुम्हें रजिया भी ने अपनी बातों में फंसाया है, क्योंकि तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम किसका घर तोड़ रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हें लगता है कि इतने मासूम चेहरे वाली लड़की किसी का भी कुछ बिगाड़ सकती है? और घर तोड़ना बहुत बड़ी बात है सनम। मैं आखिर पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पान की दुकान ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा। हेलो, इस सनम ने क्या कर रही है? सनम, अरे कहाँ है वो? किसी ने उसे देखा तो नहीं? नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसे बेहोश कर। उसने तुमसे कुछ कहा? कहना चाहती थी वो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातें सुनने का। इससे पहले वो कुछ बताती मैंने बेहोश कर दिया उसे। लेकिन लेकिन इसका क्या करूं मैं अभी? फाइल मुझे ढूंढता ढूंढता यही आ रहा है। उसको देख लिया ना, हो गया, मिल गया मुझे मेरे 2 करोड़। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मुझे पता था कि वो आहिल से मिलने जरूर जाएगी, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को पहले ही वहां भेज दिया। फोन एंगेज क्यों आ रहा सनम? तब तक तुम सनम का ख्याल रखो, ठीक है? यही काम करने आई हूँ ना मैं, जल्दी भेजो उनको। सर, तुम टेबल के पीछे क्या कर? सनम, क्या कर क्या रही हो तुम इस टेबल के पीछे? क्या? मैं वो चूड़ियां, ये मेरी फेवरेट चूड़ियां हैं, और इनमें जो सिल्वर कड़े हैं वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। पता नहीं वो एक कड़ा नीचे गिर गया, वो मिल नहीं रहा था, उसे ढूंढ रही थी मैं। Really? तो फोन एंगेज क्यों था? किसका? मेरा। तुम्हारा फोन एंगेज क्यों था? मैं आप ही को फोन कर रही थी ना, ये बताने के लिए कि मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा, चूड़ियां ढूंढनी है था। मिल गई चूड़ी? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे एक मिनट, नवाब है आप, एक चूड़ी नहीं लेके दे सकते? कौन सी बड़ी बात है, नहीं ले देना। सर, मैं तुम्हारी चूड़ी है। कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं ले देना, अभी हम लेट हो रहे हैं, आइए। बट वो चूड़ी मैं तो लेकर आया था तुम्हारे लिए। अरे हाँ, तो दोबारा ले आना। यकीन नहीं होता कि ऐसा सचमुच हो रहा है, यकीन नहीं होता कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। मैंने तो हया का दिल दुखाया था, उसकी मोहब्बत की बेकदरी की थी,
उसके बाद भी किस्मत आज मेरी झोली में मेरे हर ख्वाब सच करके डाल रही है। आज मेरी हया को उसकी आवाज मिली और मुझे मेरी हया। ये हया कहाँ चले गई? हया, 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 हया फैज के कमरे में क्यों जा रही है? हमला किसी मामूली लड़की पर नहीं हुआ है, हमारी बहू पर हुआ है, हमारे खानदान की इज्जत पर हुआ है। और हम चाहते हैं कि आप इस मामले को संजीदगी से लें। जो भी इस हमले का जिम्मेदार है ना, प्लीज आप उसे ढूंढकर हमारे सामने लाइए। और हाँ, कीमत की परवाह तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कोई भी कीमत हमारी बहू की जिंदगी से ज्यादा नहीं। अम्मी, अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बात इतनी बड़ी है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हम ये केस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को क्यों दे रहे? आहिर बेटा, अगर बाजी जीतनी हो ना तो चाल वो चलनी चाहिए जिसकी दुश्मन को उम्मीद ना हो। वो तो यही समझ रहा होगा कि इस हादसे के बाद हम सीधा पुलिस के पास जाएंगे और उसने पुलिस से बचने का इंतजाम भी कर लिया होगा। बस इसीलिए हमने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर लगा दिया। आहिर बेटा, ये जो पुलिस है ना, वो सरकार का काम करती है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हमारा काम करते। आहिर बेटा, तुम्हें अपनी अम्मी पर बिल्कुल यकीन नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ सनम से मोहब्बत करते हो, हम बिल्कुल नहीं करते? ये बात नहीं अम्मी। आहिल बेटा, तुमसे पहले हम उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जो इस हादसे का जिम्मेदार है। भैया क्या हो रहा है? आज हमारी सुहागरात और तुम पैसे के कमरे में क्या कर रही हो? वही जो आप चाहते थे। मैं चाहता हूं, मतलब ये कैसी बातें कर रहा फैज? अगर मुझे तुम्हारे प्यार पे यकीन नहीं होता तो मैं कभी भी हया से हलाला निकाह करने के लिए हाँ नहीं कहता। फैज, तुम हया को बताओ कि इस ट्रिप में मैंने जो भी बातें की वो पूरी सच नहीं है। आंखों देखी बातें भी हमेशा सच नहीं होती, सच कुछ और है। बस इसे समझाओ कि हकीकत कुछ और है। भाईजान देखिए, आपको अभी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप नहीं चाहते थे कि हया को इस बारे में कुछ पता चले, इसलिए आपने मुझे भी उसे बताने से मना किया था। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।